स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो गाइस, हम देखेंगे कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस से रिलेटेड हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गाइस, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। आप लोगों को पता है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि जो वाटर फ्लो होता है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ही फ्लो करेगा। गाइस, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो वो कम हो, और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो। मतलब अगर हम सिंपल हिंदी में बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पतला सॉल्यूशन और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, मतलब जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वाटर के, वहां से टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन, जहां पे मॉलिक्यूल्स कम है वहां तक, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गाइस, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। हमने डिफ्यूजन प्रोसेस में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस के फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जब दोनों ही आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। बट गाइस, ऑस्मोसिस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, उनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो गाइस, याद रखिएगा, ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। गाइस, अब जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। गाइस, एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, एंडो मतलब अंदर की साइड, इनवर्ड। तो गाइस, एंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मतलब सेल के अंदर वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, और गाइस जो सेल होगा वो स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। गाइस, सपोज कि ये एक सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो वाटर, अगर ये सेल वाटर में प्लेस है तो गाइस वाटर जो है इस सेल के अंदर क्या करेगा, मूव, ठीक है। इस सेल के आसपास वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो गाइस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेल के अंदर मूव करेंगे और जो सेल होगा वो स्वेल अप कर जाएगा, स्वेल अप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भर गया, वाटर भर गया, ठीक है। तो गाइस, ये जो प्रोसेस है ये होता है एंडोऑस्मोसिस, और सेकंड आता है एक्सोऑस्मोसिस। गाइस, एक्सो का मतलब होता है आउटवर्ड, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो गाइस, जब हम सेल को इसमें गाइस क्या होता है, जब सेल कम वाटर वाले सॉल्यूशन में प्लेस होता है तो सेल के अंदर वाटर ज्यादा होता है, तो जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, वाटर बाहर की तरफ निकलता है, और ये जो सेल है ये क्या कर जाएगा, श्रिंक। गाइस, ये सेल क्या कर गया, श्रिंक, ठीक है। तो याद रखिए, एंडो ऑस्मोसिस में वाटर अंदर की तरफ मूव करता है, जो वाटर अंदर मूव करेगा तो जो सेल है वो स्वेल अप कर जाएगा, और एक्सो ऑस्मोसिस में वाटर बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर मूव करेगा तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये हो गए ऑस्मोसिस। अब हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं ऑस्मोसिस को। चलिए गाइस, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में जो सेमी परमेबल मैम्ब्रेन यूज हुई है वो ये है सेलोफिन पेपर, ठीक है, सेलोफिन पेपर यूज हुआ है। बट गाइस, हम यहाँ पे
एग मैम्ब्रेन भी यूज कर सकते थे या फिर एनिमल का ब्लैडर भी यूज किया जाता है एज अ सेमी परमेबल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो गाइज ये है पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यहाँ पर ये है थिस्टल फनल। ठीक है गाइज, ये है बीकर। बीकर के अंदर है वाटर और गाइज थिस्टल फनल के अंदर है शुगर सॉल्यूशन। गाइज शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें शुगर भी होगा प्लस वाटर भी होगा। ठीक है, बट गाइज जो शुगर होगा वो मोर अमाउंट में होगा और जो वाटर होगा वो लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, और बाहर बीकर में वाटर प्रेजेंट है। तो गाइज ये पूरा सेटअप हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे की साइड ये लगी हुई है सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, और गाइज यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन यूज करी है वो करिए सेलोफेन पेपर। ठीक है, सेलोफेन पेपर यूज करा है। अब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो गाइस कुछ देर बाद हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो लेवल है ये राइज अप कर जाएगा और यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लेवल क्या कर गया, राइज अप कर गया। तो गाइस ये वाला जो लेवल था ये था इनिशियल लेवल, ये था इनिशियल लेवल, मतलब सबसे पहले जब हमने सेटअप करा था तो यहाँ तक इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भरा था। हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा और गाइज ये पहुंच जाएगा फाइनल लेवल। ये हो गया फाइनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो इंक्रीज कर गया। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि बीकर के बाहर, बीकर के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा प्रेजेंट है और जो थिस्टल फनल है उसमें वाटर कम प्रेजेंट है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर ज्यादा, वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपैरिजन टू आउटसाइड। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। तो गाइज यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब गाइज इतना जो सेशन है, इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अब देखिए इस वाले पोर्शन का हम बड़ा क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं। तो गाइज ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये है सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। गाइज सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, होल्स होते हैं, पोरस होती है। ठीक है, तो ये होगी सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। और यहाँ पे हमने सेलोफिन पेपर यूज करा है तो ये सेलोफिन की शीट हो गई। ठीक है गाइज, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा बीकर का। ठीक है, ये पोर्शन हो गया बीकर का। और गाइज ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया थिस्टल फनल का, थिस्टल फनल का। तो गाइज क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आप छोटे वाले, तो गाइज ये छोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं वाटर के और ये जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं शुगर के, क्योंकि गाइज जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू शुगर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है गाइज, ये है बीकर, तो बीकर में आप देख सकते हो वाटर ज्यादा है। हमने मान के चल दिया कि यहाँ पे थोड़े से शुगर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, वैसे तो उसमें पानी ही है सिर्फ, बट हमने मान के चलिए अगर शुगर के मॉलिक्यूल थोड़े बहुत प्रेजेंट भी हैं तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं
और गाइस थिस्टल फनल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो कम है, बट जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है। तो गाइस क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं, उधर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे पानी कम है, तो इजीली पास हो रहे हैं। बट गाइस जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं बड़े वाले, वो यहाँ की तरफ नहीं आ सकते, वो इस पोर्शन की तरफ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि गाइस इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है कि वो इस सेमी परमेबल मैम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज है, यहाँ पे तो इतनी स्पेस भी नहीं है कि ये इधर की तरफ मूव कर सके। तो गाइस क्या होगा कि जो शुगर के सॉल्यूशन है वो तो इसके अंदर ही रहेगा, वो बीकर के अंदर नहीं आएगा। बट गाइस जो बीकर के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो थिस्टल फनल के अंदर चला जाएगा, और जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या कर जाएगा, राइज अप कर जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गया प्रोसेस ऑस्मोसिस का। अब इस सेटअप में हमने थिस्टल फनल यूज करा है। गाइस यहाँ पे विस्किंग बैग भी यूज करा जाता है, ठीक है। कौन सा बैग? विस्किंग बैग थिस्टल फनल की जगह। गाइस इस वाले सेटअप में हमने थिस्टल फनल यूज करा है, यहाँ पे विस्किंग बैग भी यूज करा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी सेम यही चीज होती है कि जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करता है। तो गाइस ये हो गया एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस का। अब हम देखते हैं कि जो मसलिन क्लोथ है और सेलोफिन है, इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि अगर हम सेलोफिन की जगह रबर शीट या फिर मसलिन क्लोथ यूज करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो गाइस जो रबर शीट होती है, इम्परमिएबल। गाइस इम्परमिएबल का मतलब है कि ना किसी को अंदर जाने देना ना किसी को बाहर आने देना। तो गाइस अगर हम रबर शीट यूज कर रहे हैं सेलोफिन पेपर की जगह अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वाटर का जो सॉल्यूशन है बीकर में वाटर एज इट इज ही रहेगा, और जो शुगर सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, कोई भी वाटर के या शुगर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रबर शीट है वो कैसी है, इम्परमिएबल है, किसी का भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। बट गाइस जब हम मसलिन क्लोथ यूज करते हैं तो गाइस जो मसलिन क्लोथ है ये होता है फ्रीली परमिएबल, ठीक है। फ्रीली परमिएबल का मतलब है कि हर किसी को अंदर बाहर जाने देना। तो गाइस अगर हम मसलिन क्लोथ यूज करेंगे तो जो थिस्टल फनल में शुगर सॉल्यूशन था वो पूरा नीचे आ जाएगा और बीकर में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस जो बीकर में वाटर है वो इतना जल्दी ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा जितना जल्दी जो शुगर सॉल्यूशन है वो बीकर में आ जाएगा। तो गाइस पूरा का शुगर सॉल्यूशन बीकर में आ जाएगा, तो इसी वजह से हम मसलिन क्लोथ को भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो कैसा होता है, फ्रीली परमेबल। गाइस इसी वजह से सेलोफिन पेपर यूज़ किया गया था, क्योंकि जो सेलोफिन पेपर है ये होता है सेमी परमेबल। और गाइस सेमी परमेबल का मतलब है कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देना। तो गाइस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो तो छोटे थे तो वो तो इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गए, बट जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो बड़े थे तो वो पास नहीं हो पाए। तो जो शुगर सॉल्यूशन है वो तो थिस्टल फनल में ही रहा, बट बीकर में जो वाटर था वो अंदर की तरफ मूव कर गया और जो लेवल है वो राइज अप कर गया। तो गाइस इसी वजह से हम ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट में हमने सेलोफिन पेपर यूज करा था, रबर शीट और मसलिन क्लोथ यूज नहीं करा था, ठीक है। तो गाइस अब हम समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ ए टेंडेंसी टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि जब ऑस्मोसिस हो रहा है तो कितना वाटर का मूवमेंट हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड पर जाने में, ठीक है। जितना वाटर मूव करता है वही होता है ऑस्मोटिक
प्रेशर ऑस्मोसिस हो रहा है तो सेमी परमेबल मैम्ब्रेन के आर पार वाटर का एक्सचेंज होगा, तो जितना वाटर दूसरी साइड जाएगा तो वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गाइस एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑस्मोसिस है वो कब तक होगी, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा, तो गाइस इसका आंसर है कि जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों साइड बराबर ना हो जाए। ठीक है, सेमी परमेबल मैम्ब्रेन बीच में है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो गाइस ऑस्मोसिस का प्रेशर तब तक होगा व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक होगा जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।